आइए जान लेते हैं एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की आज के सुबह के सभी मुख्य समाचार, ताज़ा समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज के बारे में। उससे पहले आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो हमारी इस मेहनत के लिए वीडियो को लाइक करें और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यूपी का सबसे बड़ा बजट 6,90,000 करोड़, जनता पर कोई नया टैक्स नहीं, हर जिले में खुलेगा मेडिकल कॉलेज, पर्यटन में भी 20,000 नौकरी। PCS मुख्य परीक्षा से वैकल्पिक विषय की खत्म हुई अनिवार्यता, योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट का बड़ा फैसला। यूपी में 1,000 नई बसों से आसान होगी यात्रा, रोडवेज को मिले 400 करोड़ रुपए। सबसे बड़ा बजट पर ओपी राजभर ने साधा निशाना, बोले पिछड़ों को लेकर पर्याप्त धन नहीं। यूपी में बड़ा फेरबदल, 4 जिलाधिकारियों समेत 18 IAS अधिकारी स्थानांतरित। इस्लाम भी नहीं मानता 3 तलाक, अहमदिया मुसलमानों ने पढ़े पीएम मोदी की तारीफ के कसीदे। कानपुर देहात कांड में मां बेटी का पुतला डालकर लगाई आग, फिर बुलडोजर से गिराई झोपड़ी, भयावह कांड का सीन दोहराया। दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज, 7 विमान वाराणसी और लखनऊ के लिए किए गए डाइवर्ट। पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन के बेटे ने बहुसमधि पर लिखा FIR, हंगामा बदनाम करने की धमकी, जाने पूरा मामला। 10 साल 69 दिन का होगा शिवजी का महीना, सावन 2 दशक बाद दुर्लभ संयोग, व्रत के लिए मिलेंगे 8 सोमवार। उत्तर प्रदेश में किसानों को प्रशिक्षित करने के लिए खुलेंगे 17,000 स्कूल, छुट्टा पशुओं के लिए 750 करोड़ रुपए भी। यूपी में फिल्मों की शूटिंग करने पर मिलेंगी 2 करोड़ रुपए की सब्सिडी, नई फिल्म नीति को मिल गई है मंजूरी। सुल्तानपुर में गोतस्कर पर योगी सरकार का शिकंजा, 75 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क। उत्तर प्रदेश में हर मदरसे में कंप्यूटर लैब, प्रयागराज महाकुंभ के लिए 2500 करोड़। यूपी के 2 बड़े एक्सप्रेसवे के किनारे बनेंगे 6 इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स, सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला। सीएम योगी का इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने आपराधिक केस चलाने की मांग वाली याचिका की खारिज, 1 लाख हर्जाना भी लगाया। साक्षी महाराज का बड़ा बयान, मैं अखिलेश यादव को प्यार करता हूँ, सपा में आखिरी कील ठोकने आए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, कोई पानी देने वाला नहीं बचेगा। यूपी पुलिस कंप्यूटर कर्मचारी विभागीय परीक्षा की आंसर की जारी, 2 मार्च तक दर्ज कराएं आपत्ति। बुंदेली सेना ने यूपी सरकार के बजट का किया स्वागत, जिलाध्यक्ष बोले बुंदेलखंड की विशेष योजनाओं के लिए 600 करोड़ की व्यवस्था, गांव गरीबों को रखा गया है ध्यान में। संविदा कर्मियों के प्रदर्शन की अधिकारियों ने नहीं ली सूद, उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में 10 दिन से दे रहे धरना, चक्का जाम और उग्र आंदोलन की अवधि चेतावनी। नेहा के यूपी में काबा सीजन 2 पर सांसद रवि किशन का जवाब, यूपी में सब्बा सीजन 2, जाने क्या कहा। मुजफ्फरनगर में पूर्व विधायक की फैक्ट्री पर 45 लाख का जुर्माना, 24 घंटे से अधिक चली GST की रेट, 1.36 करोड़ का बिना टैक्स का माल पकड़ा गया। उत्तर प्रदेश में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में बढ़े आरती के रेट, अब मंगला आरती के लिए देने होंगे 500 रुपए, पहले 350 रुपए पड़ते थे। यूपी में हुक्काबार चलाने की अनुमति, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार से नीति बनाने और लाइसेंस जारी करने का दिया आदेश। 24 फरवरी से महायज्ञ एवं रामकथा का होगा आयोजन, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में शिवद्वार धाम में होगा संतों का जमावड़ा, गरीब कन्याओं का कराया जाएगा विवाह। चलिए अब बड़ी खबरों को जानते हैं विस्तार से, उससे पहले आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बजट 6,90,000 करोड़, जनता पर कोई नया टैक्स नहीं, हर जिले में खुलेगा मेडिकल कॉलेज, पर्यटन में भी 20,000 को नौकरी। जी हाँ, योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश कर दिया है। 2023 और 24 का यह बजट 6,90,242 करोड़ 43 लाख रुपए का है। बता दें कि पिछले साल के बजट 6.15 लाख करोड़ से करीब 75,000 करोड़ रुपए अधिक है। इस बजट में सुरक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़ी ज्यादातर योजनाएं हैं। सरकार ने बजट में हर जिले में 1 मेडिकल कॉलेज खोलने का ऐलान किया है। वहीं वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने इस बजट को पेश किया।
उत्तर प्रदेश में अब पीसीएस मुख्य परीक्षा से वैकल्पिक विषय की खत्म हुई अनिवार्यता। योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट का बड़ा फैसला। जी हां, राज्य सरकार ने सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा पीसीएस की मुख्य परीक्षा से वैकल्पिक विषय की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। इसके स्थान पर उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए सामान्य ज्ञान के 2 प्रश्न पत्र जोड़ दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके लिए कार्मिक विभाग के प्रस्ताव सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा व परीक्षा योजना पाठ्यक्रम में संशोधन संबंधी प्रस्ताव को पास कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में चलेगी 1000 बसें, रोडवेज को मिले 400 करोड़ रुपए। जी हां, इस बार योगी आदित्यनाथ सरकार ने आम यात्रियों का ख्याल रखा है। प्रदेश सरकार ने पहली बार रोडवेज बस के सफर को और आसान करने की बड़ी सौगात दी है। प्रदेश सरकार की ओर से जारी बजट में रोडवेज के हिस्से में 854 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इन पैसों में से 400 करोड़ रुपए से 1000 नई बसों की चेसिस खरीदी जाएगी। यूपी में बड़ा फेरबदल, 4 जिलाधिकारियों समेत 18 आईएएस अधिकारी स्थानांतरित। जी हां, यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 4 जिलों संत कबीर नगर, चंदौली, अम्बेडकर नगर और हापुड़ के जिलाधिकारियों समेत कुल 18 आईएएस अफसरों के तबादले कर दिए हैं। बताने की देर रात किए गए इस तबादले में मुख्य सचिव के स्टाफ ऑफिसर अनिल कुमार को नगरीय विकास अभिकरण यानी शूडा का निदेशक बनाया गया है। कुछ अधिकारियों के तबादले गुरुवार को भी जारी हो सकते हैं। इस्लाम भी नहीं मानता 3 तलाक, अहमदिया मुसलमानों ने पढ़े पीएम मोदी के तारीफ में कशीदे। जी हां, विभिन्न मुस्लिम संगठनों के नेताओं ने 3 तलाक के उन्मूलन सहित अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए कई कदम उठाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की प्रशंसा की। एनआईटी फाउंडेशन द्वारा आयोजित ऑल इंडिया माइनॉरिटी कॉन्क्लेव अमृतकाल में अल्पसंख्यकों की भूमिका कार्यक्रम में अहमदिया मुस्लिम समुदाय के विदेश मामलों के निदेशक अहसान गौरी ने कहा, पीएम मोदी ने देश के लिए और विशेष रूप से अल्पसंख्यकों और अल्पसंख्यकों के लिए कई कदम उठाए हैं। इसकी सराहना की जानी चाहिए, अच्छी चीजों की सराहना की जानी चाहिए और हम उनकी सराहना करते हैं। पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन के बेटे ने बहुसंधि पर लिखा FIR, हंगामा, बदनाम करने की धमकी, जाने पूरा मामला। जी हां, बिहार के पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन के बेटी अमित टंडन ने अपनी बहू दिशा कपूर व उसकी मां पूनम कपूर के खिलाफ लखनऊ के चौक कोतवाली में FIR दर्ज कराई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि दिशा अपनी मां के साथ 16 फरवरी को उनके घर आई और दरवाजा तोड़कर अंदर घुसने का प्रयास किया। फिर दोनों ने उनके बड़े भाई को बदनाम करने की भी धमकी दी। पुलिस ने इस मामले में जाँच शुरू कर दी है। साल 59 दिन का होगा शिवजी का महीना का सावन। 2 दशक बाद दुर्लभ संयोग व्रत के लिए मिलेंगे कुल 8 सोमवार। जी हां, नया विक्रम संवत 2080-12 की जगह 13 महीने का होगा। इसके साथ ही शिवजी का महीना सावन 59 दिनों का होगा। उसमें 8 सोमवार के व्रत करने का शिव भक्तों को मौका मिलेगा। इस नूतन हिंदू नववर्ष मास और दिवस की अधिवक्ता मलमास के चलते होगी। कालगणना के अनुसार प्रत्येक 3रे वर्ष में ऐसी स्थिति बनती है। किसानों को प्रशिक्षित करने के लिए खुलेंगे 17,000 स्कूल, छुट्टा पशुओं के लिए 750 करोड़ रुपए। जी हां, उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023 और 24 के लिए प्रस्तावित बजट में किसानों को तरजीह दी है और उनके प्रशिक्षित करने के लिए धनराशि का प्रावधान किया है। किसानों को आवारा पशुओं की समस्या से राहत देने के लिए भी सरकार ने आवारा पशुओं के रखरखाव के लिए 750 करोड़ रुपए और गौ संरक्षक केंद्रों की स्थापना के लिए 120 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में गौ तस्कर पर योगी सरकार का शिकंजा, 75 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क। जी हां, उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में गौ तस्कर के विरुद्ध की गई कार्रवाई में आज बलदीराय पुलिस और प्रशासनिक टीम 75 लाख की संपत्ति कुर्क कर ली है। 65 लाख का मकान व 10 लाख का पिकअप वाहन भी जब्त कर लिया गया है। वहीं बलदीराय थाना प्रभारी अमरेंद्र बहादुर सिंह ने बताया है कि इसौली गाँव का रहने वाला शातिर गौ तस्कर नौशाद पुत्र इस्लाम क्षेत्र में धड़ल्ले से गौ तस्कर की घटना को अंजाम देता रहा। पूर्व में नौशाद के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जा चुकी है। मदरसे में कंप्यूटर लैब, प्रयागराज महाकुंभ के लिए भी 2500 करोड़।
जी हां, यूपी की योगी सरकार ने विधानसभा में अगले वित्तीय वर्ष का बजट पेश करने के बाद इसमें सबका साथ सबका विकास की छाप साफ झलक रही है। एक तरफ मुस्लिम युवाओं को हाईटेक शिक्षा देने के लिए मदरसों में कंप्यूटर लैब बनाने का फैसला किया गया है, तो दूसरी तरफ हिंदुओं की आस्था का केंद्र महाकुंभ के आयोजन के लिए भी प्रयागराज को भारी भरकम 2500 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। सीएम योगी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने आपराधिक केस चलाने की मांग वाली याचिका की खारिज, 1,00,000 हर्जाना भी लगाया। जी हां, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री योगी के खिलाफ आपराधिक केस चलाने की मांग वाली पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही साथ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले पर 1,00,000 हर्जाना भी लगाया गया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि सीएम योगी का विरोध करने वाली ताकतें देश प्रदेश का विकास होते नहीं देखना चाहती। साक्षी महाराज का बड़ा बयान, मैं अखिलेश यादव को प्यार करता हूँ, सपा में आखिरी कील ठोकने आए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, कोई पानी देने वाला नहीं बचेगा। जी हाँ, भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने सपा और स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर बड़ा बयान दिया है। आगरा में साक्षी महाराज ने आज कहा, स्वामी प्रसाद मौर्य सपा में अंतिम कील ठोकने आए हैं, रामचरितमानस जलाने के बाद सपा को पानी देने वाला नहीं बचेगा। साथ ही साक्षी महाराज ने यह भी कहा कि वह अखिलेश यादव से प्यार करते हैं, वह आगरा के एतमादपुर में शादी समारोह में शामिल होने आए थे। यूपी पुलिस कंप्यूटर कर्मचारी विभागीय परीक्षा के आंसर की जारी, 2 मार्च तक दर्ज कराएं आपत्ति। जी हां, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ ने यूपी पुलिस कंप्यूटर केंद्र लखनऊ में कंप्यूटर कर्मचारी वर्ग के सेवा नियमावली 2011 के अनुसार चयन वर्ष 2021 के तहत 56 रिक्त पदों के लिए हुई विभागीय लिखित परीक्षा के उत्तर व उनके विकल्प जारी कर दिए गए हैं। जिन अभ्यर्थियों को परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों या उनके उत्तर को लेकर कोई आपत्ति हो तो वे 2 मार्च 2023 तक अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। नेहा के यूपी में काबा सीजन 2 पर सांसद रवि किशन का जवाब, यूपी में सब बात सीजन 2। जी हां, नेहा सिंह राठौर ने यूपी में काबा का सीजन 2 का भाजपा सांसद रवि किशन ने जवाब दिया है। रवि किशन ने ट्वीट कर यूपी में सब्बा सीजन 2 के जरिए नेहा पर पलटवार किया। उन्होंने लिखा है कि विपक्ष आंख के अनरबा, पलिहरे के बानरबा, यूपी देश के आसबा, विकास के प्रकाशबा, अब ध्यान से बजट सुनी, आ योगी जी के नाम गुनी, यूपी में सब्बा। खबरों में इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। खबर को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर दबा लें।